नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019 को हुए पेपर के बारे में। एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों अभी इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आपका पेपर अब दोबारा नहीं होगा। सीटेट की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। दोस्तों क्या कहा गया, देखिए। CBSE ने सीटेट पेपर लीक की खबर को किया खारिज, कहा उम्मीदवार भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम देखेंगे क्या अपडेट आई है CBSE की तरफ से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटेट इकाई ने स्पष्ट किया है कि सीटेट का पेपर लीक नहीं हुआ है। अभ्यर्थी किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। CBSE की ओर से इस संबंध में शनिवार को एक बयान जारी किया गया। CBSE ने बयान में कहा है कि CBSE के संज्ञान में लाया गया है कि सीटेट परीक्षा दिसंबर 2019 का प्रश्न पत्र कानपुर से लीक हुआ है। इन समाचारों में यह भी दावा किया गया है कि कथित प्रश्न पत्र परीक्षा आरंभ होने से 1.5 घंटा पहले ही लीक होकर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इन खबरों में लीक प्रश्न पत्र के हूबहू वास्तविक प्रश्न पत्र जैसा होने, एसटीएफ द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए जाने एवं कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने का दावा तक कर दिया गया। निदेशक सीटेट अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस संबंध में CBSE के प्रतिनिधि ने पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ से इस संबंध में 11 दिसंबर 2019 को भेंट की तथा पुष्टि की कि प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना निराधार है। इस प्रकार कुछ व्यक्तियों समूहों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में किए गए दावे भ्रामक, आधारहीन एवं अवांछनीय हैं। त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जन सामान्य व अभ्यर्थियों के ध्यान में लाया जाता है कि वे ऐसी भ्रामक गलत खबरों पर विश्वास न करें। दोस्तों जो ये अपडेट आ रही है, तो दोस्तों ये देखिए न्यूज़पेपर में सारी अपडेट थी उस दिन में। कुछ लोगों की आपने हमने फोटो भी दिखाई थी, तो चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं हम लोग कि क्या है पूरा मामला। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आया था कि सीटेट का पेपर वायरल, दो गिरफ्तार। दोस्तों अगर आपका पेपर लीक ही नहीं हुआ था तो गिरफ्तारी कैसे हो सकती है किसी की। देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जो पर्चा लीक वही आया। पर्चा लीक मामले में पकड़ा गया धीरज द्विवेदी व चंद्रपाल उर्फ जीतू बाय से। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं पूरी अपडेट। तो क्या है दोस्तों सच्चाई, अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, जिससे कि वीडियो वायरल हो और सभी को सच पता चल सके। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस समय देखिए मेन बात क्या होती पता है। इस समय दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है कि सीटेट की तरफ से ये दावा किया गया कि नहीं भाई पेपर लीक ही नहीं हुआ था। अगर पेपर लीक नहीं हुआ था दोस्तों, तो ये सब गिरफ्तार कैसे हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये दो सकता आप देख रहे हैं। आरोपियों ने परीक्षा से 1.5 घंटा पहले व्हाट्सएप के जरिए किया वायरल। ठीक है दोस्तों, जिले में भर में की जा रही है छापेमारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यार क्या हो रहा है कि एक तरफ पेपर तो लीक ही नहीं हुआ था और दूसरी तरफ आरोपी पकड़े भी जाते हैं। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे आखिर क्या होगी सच्चाई दोस्तों। कि चलिए दोस्तों, पहले इस पूरी अपडेट को पढ़कर आपको सुना देते थे कि आखिर क्या मैटर था जिस पर सीटेट को बयान जारी करना पड़ा। देखिए कानपुर, रविवार को हुआ सीटेट का पेपर परीक्षा से 1.5 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। जिन दो लोगों को व्हाट्सएप पर पर्चा आया, एसटीएफ ने सोमवार को उन्हें चकेरी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों यहां परीक्षा देने आए थे। एक आरोपी जलौन कॉलेज का प्रबंधक है तो दूसरा इसी कॉलेज में BTC का छात्र है। पूछताछ में पता चला कि यह पर्चा प्रयागराज के BTC संघ के नेता ने लीक कराया है। इसके लिए प्रबंधक से 5 लाख रुपए में सौदा हुआ। गिरोह के सरगना एवं BTC संघ के नेता की तलाश में एक टीम प्रयागराज रवाना हो गई। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि यार ये खबर क्या पूरी तरीके से झूठ है जो मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अगर सीटेट की माने तो यार जो हम पढ़ रहे हैं तो पूरा गलती है कि एसटीएफ ने कुछ कहा ही नहीं। मतलब देखिए दोस्तों होता क्या, हम आपको सच्चाई बताएं, अगर पेपर लीक होगा तो इन्हें सीटेट का पूरा पेपर को कैंसिल ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प इनके पास नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया में सेम पेपर आता है, आपको पता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर पेपर ये आ रहा है कहीं पेपर वो आ रहा है। ऑनलाइन दोस्तों पेपर जो होता है वहाँ पर थोड़े चेंजेस होते हैं, आपको पता होगा कि अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर्स होते हैं वहाँ अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर जो सेम टाइमिंग पेपर होती है सभी का पेपर सेम होता है। तो दोस्तों अगर ये सीटेट एक्सेप्ट करे कि नहीं पेपर लीक हुआ था, तो पूरे पेपर को इन्हें कैंसिल ही करना पड़ेगा और इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए CBSE ने पेपर लीक की खबर को किया खारिज, कहा कि उम्मीदवार भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम विश्वास ही ना करें तो ये दो लोग की गिरफ्तारी कैसे हो जाती है। आप सोचिए कि यार पुलिस तो क्या ऐसे किसी को गिरफ्तार कर लेगी। मतलब अगर हम एक तरह से ये सोचें कि मान लेते कि ऑफिशियल पेपर लीक ना हुआ हो, तो दोस्तों जैसे नहीं होता आपका मॉडल पेपर जिससे आप लोग तैयारी करते होंगे, मॉडल पेपर होता है ना जिसको हम कहते हैं मॉडल पेपर का ये, या दोस्तों उसको आप प्रैक्टिस सेट कह सकते हो जो आप मार्केट में मिलती है बुक्स में,
क्या वो पेपर बनाकर लीक किया गया? तो दोस्तों यार, पुलिस भी बिना साक्षी के तो ऐसे किसी को गिरफ्तार कर नहीं लेगी। तो चलिए पहले पूरी अपडेट को देख लेते हैं। आखिर क्या थी पूरी अपडेट? एसटीएफ कानपुर इकाई के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया कि पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद सब्जी मंडी रामा देवी से गणेश नगर रेंडर जलाउन निवासी धीरज द्विवेदी उर्फ गोपाल व गालमपुरा माधोगढ़ जलौन के चंद्रपाल उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया। धीरज जलौन के जगमनपुर में स्थित पंडित परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय का प्रबंधक है। चंद्रपाल इसी काले से बीटीसी कर रहा है। पूछताछ में पता चला कि धीरज जलौन का सरगना है। ठीक है दोस्तों, जलौन का सरगना है। उसी ने पर्चा लीक कराने के लिए बीटीसी संघ के नेता आलोक सेंगर से समझौता किया था। रविवार को परीक्षा से ठीक पहले दोनों के पास पर्चा आ भी गया। हालांकि यह भी पता चला कि धीरज ने कॉलेज के अन्य छात्रों के पास भी पर्चा भेजा है। इसी बारे में छानबीन की जा रही है। फिर बात कही दोस्तों, जो पर्चा लीक वही पेपर आया। एसटीएफ के मुताबिक प्रयागराज निवासी आलोक सेंगर पेपर आउट कराने के गिरोह का सरगना है। उसका साथी प्रिंस भी सक्रिय है। इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया कि धीरज व चंद्रपाल भी परीक्षा में शामिल हुए थे। धीरज का सुपर इंटरनेशनल स्कूल उन्नाव व चंद्रपाल का एयरफोर्स स्कूल चकेरी में सेंटर था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फिर लास्ट में क्या लिखी, इस लाइन को जरा ध्यान दीजिए आप लोग। आलोक ने दोनों ठीक है को प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में उपलब्ध कराया दोस्तों, मतलब 5। और दोस्तों बात यहाँ हुई कि यही प्रश्न पत्र परीक्षा में भी आया, सौदा 5 लाख रुपए में हुआ। धीरज ने आलोक को 87,000 रुपये भी दिए। तो ये सब अपडेट आई थी, आपने देख रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, फिलहाल अब सीटेट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर हम सीटेट की बात सच माने तो ये दो आपके जो अखबार आप ये सब देख रहे हैं, ये सब ये वाली अखबार हो दोस्तों चाहे ये अखबार हो, तो सबको दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई निराधार खबरें हैं, कुछ था ही नहीं सच्चाई। तो आप लोग दोस्तों खुद भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो मतलब आपका भी भरोसा उठ जाना चाहिए न्यूज़पेपर से कि जो आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है रोज किसी भी चीज़ का, तो दोस्तों सभी गलत है। क्योंकि दोस्तों दिन की देखिए सभी अधिकतर न्यूज में यही खबरें थी कि ऐसा कुछ हुआ था। तो दोस्तों आपके सामने आप खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों इस समय की लेकिन ये बड़ी अपडेट थी, तो हमने आपको पहले भी कहा था कि सीटेट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया भी, और दोस्तों जैसे कि आपने पहली लाइन पढ़ा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटेट इकाई ने स्पष्ट किया कि सीटेट का पेपर लीक नहीं हुआ है। और दोस्तों अगर ये एक्सेप्ट कर लेते कि भाई वहीं पेपर लीक हुआ है, तो इन्हें पूरा पेपर कैंसिल करना ही पड़ता, जो कि हमने आपको पहले भी कहा था कि अगर पेपर लीक होगा तो पेपर कैंसिल ही होगा। या दोस्तों उस जोन में कैंसिल करें या पूरे देश में कैंसिल करें, जो कि नुकसान दोस्तों बहुत ही बड़ा होता कि पूरे देश में पेपर कराना, मतलब दोबारा से करोड़ों की चपत लग जाती सीटेट के लिए, और एक जगह से दोस्तों मतलब पेपर लीक और पूरे देश में दोबारा से पेपर होता, और बच्चों को भी नुकसान होता जो बच्चे काफ़ी मेहनत किए थे। अब दोस्तों ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो आप लोग खुद भी कमेंट करिएगा कि दोस्तों किसके दावे कितने हैं सच। क्यों सीटेट ने दोस्तों अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल जारी कर दिया है, और हो सकता है दोस्तों कि कल की आने वाली खबरों में आपको ये बयान भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाए कि जो बच्चे ये सब अपडेट देखे थे वो सब दोस्तों आपको भी पता चल सके कि नहीं यार पेपर कुछ लीक नहीं हुआ था। आपका भी एक काम है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों तक फैलाइए इस वीडियो को, बताइए कि भाई नहीं सीटेट की तरफ से एक बयान जारी हो चुका है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो मतलब इससे भी ये भी साफ हो रहा है दोस्तों, स्पष्ट हो चुका है कि अब आपका पेपर जो है वो कैंसिल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों को उम्मीद लग रही थी कि यार पेपर कैंसिल होगा, पेपर खराब हो गया है, दोबारा से पेपर देंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे, तो उनका दोस्तों ये सपना फिलहाल यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कल का हमें भी इंतजार होगा, आपको भी बेसब्री से इंतजार होना चाहिए कि आखिर कल क्या खबर निकल कर आएगी। जी हाँ दोस्तों, कल क्या खबर निकल कर आएगी, मतलब साफ है कहने का कि क्या अखबार अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे कि चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है दोस्तों, या तो अखबार सच बोल रहा है या तो दोस्तों सीटेट की तरफ से सही बयान आ रहा है, तो एक ही लोग तो सच्चाई होंगे ना, या तो अखबार झूठा है या तो सीटेट झूठा है। तो बस कल का और इंतजार रहेगा दोस्तों, कल सुबह की जो बड़ी अपडेट्स आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे आखिर क्या है पूरा मामला क्या रहा, क्योंकि दोस्तों ये सीटेट का आज बयान आना मतलब एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है ना, तो हम आपको अपडेट दोस्तों करते रहेंगे। और ठीक है, और देखिए जो आप लोग के आंसर की ऑफिशियल दोस्तों वो बात की गई थी कि अभी 23 दिसंबर तक, जी हाँ दोस्तों 23 से लेकर 25 दिसंबर तक आपके आंसर की जारी हो जाएगी ऑफिशियल वाली। और उसके बाद दोस्तों बात रही हमारा रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट दोस्तों अगले 6 हफ्तों में जारी किया जा सकता है, मतलब दोस्तों 20 जनवरी के बाद। तो 20 जनवरी के बाद ही आपका रिजल्ट जारी हो पाएगा, तो उन सब के लिए आप इंतजार करिए, और जैसे ही अपडेट निकल कर आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर हम रोक रहे हैं, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं कि क्या थी पूरा मामला। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
तो वैसे दोस्तों मैं आपको पूरा पढ़ के सुना भी दिया कि पूरा मामला क्या था, कि जो पैसे में हुआ था। तो आप दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे फोटो भी देख सक रहे हैं कि भाई क्या आरोपी थे या नहीं, वो सब आप खुद समझ रहे होंगे। चलिए तो दोस्तों ये भी हम मान सकते हैं कि भाई पुलिस किसी को भी ऐसे ही बंधक बना लेती। मतलब दोस्तों आप यहाँ फोटो देख रहे हैं आप, पीछे पुलिस वाले भी दिख रहे हैं भाई साहब, तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि क्या है, कैसे मामला है पूरा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और उस वीडियो को शेयर करिए, समझिए और खुद भी एनालाइज करिए कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा है। खुद भी आपका कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।